कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले कई दिनों से हम लोग इस उम्मीद में बैठे थे कि शायद आज थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर आएगा, आ जाएगा। मार्वल वालों ने कहा लो मिस मार्वल का पकड़ो ट्रेलर। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग करने वाले हैं मिस मार्वल के ट्रेलर का ब्रेकडाउन। तो बिना चूड़िया पहनकर ग्रीन लैंटर्न बने, चलिए शुरू करते हैं। मिस मार्वल बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली काफी पॉपुलर सुपर हीरो है जिसका नाम कमाला खान होता है और इसका ओरिजिन एक्चुअली पाकिस्तानी है, लेकिन इसके पेरेंट्स पिछले कई सालों से यूएस में आके बस चुके हैं, तो इसी वजह से ये यूएसए में ही ऑपरेट करती है। अब इसे अपनी सारी पावर्स कैसे और कहां से मिलती है इस पे हम आगे बात करेंगे। तो इस पूरे ट्रेलर की शुरुआत होती है कमाला के स्कूल के साथ और हमें ये चीज समझ में आने लगती है कि कमाला खान बिल्कुल हमारे जैसी है। उसको पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, टीचर बोलता है पढ़ाई करो कोई मतलब नहीं है, किताबों में ड्राइंगें बनाती है और सुपर हीरो के सपने देखती है, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन इस पूरी ड्राइंग में जो सबसे ध्यान देने वाली बात ये थी कि कमाला ने एंट मैन को एक्चुअली में जैसा होना चाहिए वैसा ड्रॉ किया हुआ है, मतलब उसके 6-8 हाथ निकाले हुए हैं, लेकिन कॉमिक बुक्स में ये चीज स्पाइडरमैन के साथ होती है। फिर इसके बाद हम कमाला को वही सारे सपने देखते हुए देखते हैं जो हम देखते हैं। बहुत सारा देखना हो गया, लेकिन इस पूरी सीक्वेंस के लिए काफी कॉमिक बुक स्टाइल वाली अप्रोच फॉलो करी गई है और हम लोग मार्वल का लोगो भी उसी स्टाइल में आता हुआ देखते हैं। फिर इसके बाद जो अगला शॉट है वहां पर हमें ये समझ में आता है कि कमाला एक्चुअली में अपने स्कूल के थेरेपी वाले टीचर के पास है और जैसे वो पेन के क्लिक करते हैं तो सॉन्ग के बीट के साथ वहां पर क्लिक लिखा हुआ आता है। और इसी तरह का कुछ कुछ स्टाइल हमने स्कॉट पिलग्रिम वर्सेस द वर्ल्ड में भी देखा था। अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी है तो आई वुड वेरी वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड। एंड सिंस म्यूजिक की बात चल रही है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये म्यूजिक एक्चुअली में मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से एक द वीकेंड का ब्लाइंडिंग लाइट वाला गाना है जिसको थोड़ा सा रिमिक्स किया गया है और ये गाना काफी हद तक इस वाले ट्रेलर पे फिट बैठता है। फिर इसके बाद वाले सीन में हम कमाला को स्कूल के कॉरिडोर में देखते हैं जहां पर उसके दोस्त उसके आसपास खड़े हैं और कुछ लड़के उसको बुली करने की कोशिश कर रही है। अब यहां पर कमाला के लेफ्ट में खड़ा होने वाले लड़के का नाम ब्रूनो करेली है जो कॉमिक बुक्स में उसका बेस्ट फ्रेंड होता है और उसी को ये बात पता होती है कि कृषि मेरा मतलब है कि मिस मार्वल जो है वो कमाला खान ही है। और यहाँ पे अगर आप कमाला की टी शर्ट को नोटिस करोगे तो उस पे 3 फीमेल सुपर हीरोज है, पहली कैप्टन मार्वल, दूसरी वॉस्प और तीसरी प्रोबेबली वैल्करी है। अब कॉमिक बुक्स में भी कमाला एक बहुत बड़ी नर्ड होती है और उसको सुपर हीरोज बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं, वो दिन रात बस वीडियो गेम्स खेलती है और सुपर हीरोज को निहारती रहती है, लेकिन वहां पर उसके फेवरेट सुपर हीरोज होते हैं आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल। फिर इसके बाद वाले सीन में हम कमाला को एक स्टोर में देखते हैं जहां उसके सामने कैप्टन मार्वल की एक सस्ती कॉस्ट्यूम है और इसी ट्रेलर में हम आगे उसे कॉस्ट्यूम पहने हुए भी देखते हैं जो प्रोबेबली एक ड्रीमी सीक्वेंस है जहां पर कमाला अपने ख्वाबों ख्यालों में इमेजिन कर रही है कि अगर वो सुपर हीरो होती तो क्या होता, और भगवान कसम ये पीले ओरियो कहां मिलते हैं मुझे बता दो। और इसके बाद वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पर एंट्री होती है कमरान की। अब अगर कॉमिक बुक्स का ज्ञान पिलाऊं तो कमरान मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला मिस मार्वल की कॉमिक बुक्स का एक काफी प्रोमिनेंट कैरेक्टर है और कमाला को एक काफी पसंद होता है, लेकिन आगे जाके पता चलता है कि चीजें जैसी दिख रही हैं वैसी है नहीं। अब अगर शो में ये चीज हो जाती है तो मैं स्पॉइलर देना पूरी तरह से अवॉइड करना चाहता हूं, लेकिन इसके बाद वाला सीन बहुत ही ज्यादा मजेदार है क्योंकि ये एक अंधेरे कमरे में जाती है और एक डब्बे को खोलकर उसमें से कुछ कंगन वगैरह निकालती है एंड इन्हीं दोनों बड़ी बड़ी चूड़ियों की वजह से कमाला खान मिस मार्वल में कन्वर्ट होती है, मतलब उसको अपनी पावर्स मिलती है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है क्योंकि कॉमिक बुक्स में कमाला को इस तरह अपनी पावर्स नहीं मिलती, उसे अपनी सारी पावर्स टेरेजिन मिस्ट की वजह से मिलती है जो किसी भी इनह्यूमन को उसकी पावर्स देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और वो क्या है क्यों है इस पे हम अलग से बात करेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पर इन लोगों ने कमाला की पावर्स और उसके ओरिजिन को चेंज कर दिया है। अब ये बैंड्स क्या चीज है ये तो हमको नहीं बताया गया, लेकिन अगर मैं कॉमिक बुक्स के ज्ञान की वर्षा कर दूं तो ये बैंड्स प्रोबेबली क्वांटम बैंड्स ऑफ किसार हैं जो कि मार्वल कॉमिक्स में बहुत ही पावरफुल आर्टिफैक्ट्स होते हैं। कॉमिक बुक्स में इनका क्रिएशन काफी सालों पहले हुआ था और ये सॉर्ट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी को पोजेस करते हैं जिसके अंदर इतनी अंडबंड पावर्स हैं कि आप सोचो और वो हो जाएगा। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, डीसी कॉमिक्स में जैसे ग्रीन लैंटर्न की रिंग्स वर्क करती हैं बिल्कुल वैसे ही ये बैंड्स भी इसे पहनने वाले ने जो भी सोचा उसको रियलिटी में बना देता है और हम इसी चीज का नमूना आगे इस ट्रेलर में देखते भी हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ये बैंड्स वर्महोल खोल सकता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज को समन कर सकता है और इसका बहुत ही ज्यादा डीप कनेक्शन है कैप्टन मार्वल की माइथोस और हिस्ट्री के साथ। और इसके अगले कुछ ही शॉट्स में हम ये भी देख लेते हैं कि कमाला जैसी इन चूड़ियों को पहनती है तो तुरंत ही वो कुछ कॉस्मिक टाइप की
जगह पर पहुंच जाती है और उसको दुनिया जमाने की चीजें दिखने लगती हैं। और आगे वो ये चीज बोलती भी है कि इसको पहनने के बाद उसे कॉस्मिक फील होता है। तो क्लियरली इस पूरी चीज को ये लोग 110% कैप्टन मार्वल के सीक्वल से कनेक्ट करेंगे और इन्हीं बैंड की ज्यादा हिस्ट्री हमें उस मूवी में देखने को मिलेगी। एंड हु नोस, क्या पता शांग-ची की 10 चूड़ियों से भी ये चीज कनेक्ट हो जाए। फिर इसके बाद वाले सीन में हम एक सॉर्ट ऑफ दरवाजा खुलता हुआ देखते हैं जिसमें से लाइट निकल रही है और ये सारी चीजें कमाला के सामने होती हुई नजर आ रही है। मे बी इन बैंड्स के कारण कमाला से कुछ पोर्टल खुल गया है और उसी को देखकर ये हैरान परेशान हो रही है। फिर इसके बाद वाले सीन में हम कमाला के भाई आमिर खान को देखते हैं। नहीं, ये वो दुगना लगान वाले नहीं, ये दूसरे, ये मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करते हैं, कमाला को लेके काफी प्रोटेक्टिव होते हैं, लेकिन आगे जाके इनको भी सुपर पावर्स मिल जाती हैं ऐसे फोर्स फील्ड वगैरह बनाने की। फिर इसके बाद हम कमाला के पिताजी यूसुफ खान को देखते हैं जिनका रोल हमारे बॉलीवुड के मोहन कपूर सर प्ले कर रहे हैं। एंड अगर आप सोच रहे हो तो नहीं, इस मूवी में सिर्फ यही बॉलीवुड एक्टर नहीं है बल्कि मिस मार्वल के लिए हमारे फरहान अख्तर को भी कास्ट किया गया है एक नॉन डिस्क्लोज्ड रोल में। मेरे ख्याल से अगर इस पूरे शो के वो विलन बन जाते हैं तो देखने में मजा आएगा। इसके अलावा फवाद खान भी है। और जैसे यूसुफ कमाला का गेट खोलने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी चूड़ियों का इस्तेमाल करके उस दरवाजे को बंद कर देती हैं। एंड इसी सीन में अगर आप कमाला के पीछे वाले बेड पे देखोगे तो कैप्टन मार्वल का एक पोस्टर टंगा हुआ है जो मार्वल कॉमिक्स का कवर है। फिर इसके बाद वाले कुछ सीन्स में हम कमाला को उसकी पावर्स और भी ज्यादा बेहतर तरीके से यूज करते हुए देखते हैं और हमें ये भी समझ में आता है कि उसने ब्रूनो, जो उसका दोस्त है, उसके सामने अपनी पावर्स को रिवील कर दिया है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को एड्रेस करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कमाला खान की पावर्स को देखकर डिसअपॉइंटेड है और उनको ये लग रहा है कि कॉमिक बुक एक्यूरेट होना चाहिए था, विच आई ऑल्सो अग्री, लेकिन यहाँ पर मार्वल वालों का कुछ डिफरेंट करना बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है। और उसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है कि कमाला खान की जो कॉमिक बुक वाली पावर्स है वो हमारे मिस्टर फैंटास्टिक मतलब रीड रिचर्ड से बिल्कुल मिलती जुलती है। एंड क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वो लोग रीड रिचर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं फैंटास्टिक फोर से, तो इसीलिए वो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करना चाह रहे होंगे। और ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने कमाला खान की पावर्स को एकदम ही चेंज कर दिया है। अगर आप ट्रेलर के कुछ आगे वाले शॉट्स देखोगे तो इसमें कमाला जहां पर अपनी कॉमिक बुक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में है वहां पर हम उसकी बॉडी को स्ट्रेच होता हुआ भी देख सकते हैं। अब ये सारी चीजें उसके कंस्ट्रक्ट के मदद से हो रही हैं, लेकिन वो अपने हाथों को बड़ा करके मुक्के मार रही है और अपनी बॉडी को भी इलोंगेट कर पा रही है। तो इन लोगों ने उसकी पावर्स को बिल्कुल ही चेंज नहीं किया है बल्कि उसके ऊपर अपना टेक लेने की कोशिश करी है। और इसके बाद वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर हमें इस शो के एक्चुअल मेन विलन्स की पहली झलक देखने को मिलती है। सबसे पहले तो हमें ये चीज समझ में आ रही है कि ये कोई एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसी ट्रेलर में आगे मिस मार्वल और उसके पीछे खड़े हुए कैरेक्टर के ऊपर गोलियां चला रहे हैं। तो ये लोग प्रोबेबली शो के मेन विलन्स हैं। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल है या कोई और, ये तो शो देखकर ही समझ पाएगा। लेकिन इसके बाद जो चार लोग हम इस फ्रेम में देख रहे हैं वो एक्चुअली में कमाला जी के मेन जानी दुश्मन होंगे शो में। ये लोग प्रोबेबली क्लैंडेस्टाइन है जो मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली एक सुपर पावर्ड फैमिली है जो एक जिन से निकल के आई है। इसमें ऑल थ्रू आउट कई सारे मेंबर्स रह चुके हैं जिनके पास अलग अलग तरह की सुपर पावर्स होती है एंड मोस्ट लाइकली ये सब के सब कमाला से उसका कंगन छीनने आए हैं क्योंकि यही तो वो अल्लम गल्लम है जिसके आसपास इस पूरे शो की कहानी घूमेगी। फिर इसके बाद हम कुछ शॉट्स ऐसे गांवों के भी देखते हैं तो ये प्रोबेबली कमाला खान के पाकिस्तान में जो गांव होगा जहां उसका ओरिजिन है उसकी कहानी हो सकती है। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही मजेदार सीन आता है क्योंकि यहां पर हम एक नया कैरेक्टर देखते हैं। अब जहां तक मुझे लगता है तो इस कैरेक्टर का नाम रेड डैगर है जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट करने वाला एक विजिलेंटी होता है और जितने भी पाकिस्तानी लोग होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। एंड अगर आप इसके आसपास के बैकग्राउंड को देखोगे तो ये कोई रेलवे स्टेशन ऐसा लग रहा है जहां पर सनी कोल्ड ड्रिंक्स का एक स्टॉल लगा हुआ है जो बंद है, लेकिन इस पूरे बैकग्राउंड को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान की लोकेशन है। और रेड डैगर ऑल्दो एक पॉजिटिव और अच्छा कैरेक्टर है लेकिन यहां पर उसकी हमारी मिस मार्वल से फाइट चल रही है। तो मतलब ये वो दो सुपर हीरोज जब मिलते हैं तो वो पहले लड़ाई करते हैं ना, तो ये वही वाली सीक्वेंस होगी। फिर इसके बाद हम इस पूरे ट्रेलर का क्लाइमैक्स शॉट देखते हैं जहां पर कमाला किसी को प्रोटेक्ट कर रही है और उसने अपने इन्हीं कंगनों का इस्तेमाल करके एक शील्ड जैसी बना ली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गोलियां इस शील्ड को पेनिट्रेट नहीं कर पा रही। जितनी ज्यादा गोलियां इस पे पड़ रही हैं तो ये शील्ड भी ऐसे कांच की तरह टूटती जा रही है। और ये ट्रेलर यहीं पे खत्म हो जाता है जिसके बाद हम मिस मार्वल को एक लैंप के ऊपर बैठा हुआ देखते हैं और ये वाला सीन भी मिस मार्वल के इशू नंबर 5 का कवर पेज है, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया सा ईस्टर एग था। तो इन सब चीजों के बाद अगर मैं अपना ओपिनियन दूं इस पूरे ट्रेलर पर तो देखो ये एक टिपिकल मार्वल ट्रेलर नहीं था और इसको देखकर एकदम वैसी फील नहीं आई। लेकिन आप खुद सोच के देखो कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे
में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन मैं पर्सनली इस शो को एक चांस देना चाहता हूँ क्योंकि मैं इससे कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहा हूँ। एक ऐसे कैरेक्टर की कहानी जो अपनी स्कूल लाइफ में अपनी पढ़ाई में बिल्कुल बकवास है, उसका दिमाग सिर्फ वीडियो गेम्स में लगता है और सुपर हीरोज में। ऐसी रिलेटेबिलिटी तो चाहिए अपने को, तो इसीलिए मैं पर्सनली इसे देखने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ और मैं इस शो को एक चांस दूंगा। आप सबके इसके बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना, और अगर आप लोग चाहोगे तो मैं मिस मार्वल को एक अलग से वीडियो में कवर करूंगा, उसका ओरिजिन वगैरह कहाँ से है, कैसे है, क्या हुआ, तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट्स में बता देना। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आपको नीचे वाला सब्सक्राइब बटन लाल रंग का दिख रहा है उसको टच करके ग्रेप बना दो। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।